नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। दौसा कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत NH 21 श्याम मंदिर दूध डेयरी के पास आज एक तुड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से सड़क हादसा हो गया। वहीं गुस्साए लोगों ने हाईवे NH 21 पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, कोतवाली पुलिस सदर थाना यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू रूप से करवाया और घायलों को पुलिस ने दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। और वहीं यातायात प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला है बताएं? ट्रैक्टर ट्रॉली कूड़े की भर के जा रहे थे, मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ट्रॉली फट गई, उसके नीचे दो तीन आदमी का नीचे आना जाहिर हुआ था, जिस पर सूचना पर तुरंत मैं मौके पर जिनको निकास के अस्पताल एडमिट करा, अभी सही है वो। जाम व्यवस्था और जाम व्यवस्था की व्यवस्था हुई थी, जिसको भी सुचारू चालू कर दिया है और इसके अलावा कोई जनहानि नहीं है। क्या मामला है? ये जाम मंदिर के पास में एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, इसमें तुड़ी की गाड़ी पलटी हुई है और मोटरसाइकिल से इनका एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल वाले दबे हुए थे, जिनको निकलवा कर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। कितने लोग थे सर? वो दो लोग थे, अभी कुछ लोग तीसरे के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसका पता कर रहे हैं वो कहाँ है, अभी जानकारी मिली। धन्यवाद।